बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। पांचों उंगलियों पर ये पाड़ लें, यानी आपकी जो फिंगर्स हैं हर फिंगर्स के ऊपर और दोनों हाथों की, ठीक है, इस उंगल पर भी, इस फिंगर्स पर भी और इस फिंगर्स पर भी। आपने कसम खाकर कहता हूँ, 5 मिनट में रहा, यानी ये अमल ख़त्म होने से पहले पहले वो आपसे रब्ता कर लेगा, महबूब हमेशा के लिए मुरीद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपको मुर्शिद कहे और कहे कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मुरीद हो गया हूँ, आशिक हो गया हूँ और हमेशा के लिए ताबे हूँ, और जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह वो आपसे मोहब्बत करे, प्यार करे, अगर खुदा ना खास्ता मोहब्बत के अंदर आपकी कोई आपस के अंदर कुछ क्लैशेज आ गए हैं वो दूर हो जाए, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक हो जाए, और अगर कोई तीसरा बंदा आपकी मोहब्बत में आ गया वो खुद ब खुद रस्ते से निकल जाए और आपका महबूब सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाए, जब दोनों उंगलियों पे पड़े, हाथों को अपने बंद करें, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा और आपकी मोहब्बत उसके दिल में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि भाई दुनिया की कोई ताकत उसको जुदा नहीं कर सकेगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और 5 अल्फाज पर एक एक लफ्ज़ इन उंगलियों पे पढ़ना आपने, और 10 उंगलियां पूरी होंगी, हाथ मिलाएंगे, अमल करेंगे, महबूब आपका हो जाएगा। बस ये 5 मिनट मुझे दे दें और हमेशा हमेशा के लिए महबूब आप ले लें। और बहुत सारे आपने वजीफे किए भी होंगे और मैंने आपके सामने बहुत सारे शेयर किए भी हैं, लेकिन ये वाला अमल आज अपनी ज़िंदगी में मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ख़ास अमल है और बहुत ही ज़्यादा मुजरब तरीन अमल है, आसान अमलों में से सबसे ज़्यादा आसान और पावरफुल अमलों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल अमल, और मुजरब तरीन अमल, यानी जिसने किया है उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं आपको फ़ायदा हो तो इस अमल को मुकम्मल देखिएगा, और हर वीडियो के अंदर कोशिश होती है कि आपको मैं पूरी चीज़ समझा दूँ, एक एक चीज़, जैसे गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने लिख के एक एक चीज़ आपको समझाई है कि आपने इस तरह अमल करना है, क्योंकि आप समझाता और तरह हूँ, आपको समझ आती और तरह है, आप अमल और तरह करते हैं, तो फिर फ़ायदा कैसे होगा? ठीक है, जिस तरह बताया जाए उसी तरीके पर अमल करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। तो कौन सा अमल है अभी शेयर करने लगूँ, आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बल्कि अभी पहले आप लाइक कर लें, अभी अभी बटन दबाएँ, ढक दबा लिया आपने, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए नहीं हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आता तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक स्किप कर दें, मत सब्सक्राइब करें, लेकिन आप अगर पसंद करते हैं हमारी इस चीज़ को, आप लाइक करते हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अमल बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम 2 लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं, और आपको जैसे मालूम है कि हर वीडियो के अंदर हम करते हैं और रोज़ाना करते हैं, डेली करते हैं, और इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर किसी को, मुझे बताते हैं कि मैं वजीफे से फ़ायदा नहीं हुआ, तो दुआ ऐसी चीज़ है जो तकदीर बदल देती है। वजीफ़ा का नहीं कह सकता मैं कि आपकी तकदीर, लेकिन दुआ का 100% कहूँगा, क्योंकि दुआ ऐसी वाहिद ताकत है जो आपकी किस्मत को बदल देती है, दुआ ऐसी वाहिद ताकत है जो आपका लिखा हुआ बदल देती है, ये भी याद रखिएगा, इतनी ताकत है इस दुआ के अंदर। तो आपने दुआ के ऊपर आमीन जरूर कहना है, और हो सकता है आप ही की दुआ हो, इसको देख लिया करें, इस सेगमेंट को जरूर देखा करें, और किसी के लिए अपने दिल से दुआ दिया करें, दिल से, ठीक है, दिल की गहराइयों से दुआ दिया करें, और ये समझा करें हो सकता है कि इस जगह अगर मैं हूँ और मुझे इतनी दुआओं की ज़रूरत हो तो मैं क्या चाहूँगा, ये चाहूँगी कि मेरे लिए लोग दुआ करें, वहाँ पे अमीन कहें या ना कहें, अपने आप को इस जगह पे रख के अपने ईमान के साथ आपने चाहे अमीन कहें या ना कहें, लिखें या ना लिखें, इससे मुझे कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप खाम खान लिखाने के, आप ना लिखें कोई बतला नहीं है, बस ज़ुबान से आप अमीन ज़रूर कह दें। और दूसरा, अगर आप भी दुआ करवाना चाहते हैं तो अपने नाम और कमेंट मकसद मकसद अपना कमेंट के अंदर लिख दीजिए, और कोशिश करें कि स्माल लिखें, छोटा लिखें, छोटी बात लिखें, खुल के बात लिखें, ताकि दुआ करने में भी आसानी हो। बहुत सारे लोग बहुत लंबी लंबा कमेंट करते हैं, पढ़ने में मुश्किल होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और आज का भी ये अमल है तो काफ़ी लंबा इन्होंने लिखा है, तो इसलिए इंतहाई छोटा करके लिखा करें,
कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मेरा महबूब मेरे पास है मगर इसका खंजीर वाला दिल है, हल अमल पड़ा है फिर भी अपनी चलाकियों से बाज नहीं आता, मुझसे झूठ बोलकर लोगों को ज़्यादा टाइम देता है। मैं बहुत परेशान हूँ, उन लोगों के पास जाता है जो इसकी इज्जत भी नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है, मुझे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। अमल वजीफ़ा पढ़ के उसके दिल पर फूंक मारता हूँ फिर भी तब्दील नहीं हो रहा, मुझे कुछ ऐसा बताएं जो मुझे ज़्यादा टाइम दे, मेहरबानी होगी आपकी। पहले तो आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत आपको नसीब फरमाए और जो प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको गैब से दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला हमेशा के लिए आपके महबूब को आपका कर दे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरा, आप 11 रात ये अमल करें फिर मेरे साथ आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर मसला हल ना हुआ तो फिर 11 रात के बाद आप मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, ट्यूसडे से शुरू ना कीजिएगा, बाकी किसी रात से भी शुरू करें। और रात सोते वक्त आपने हुर रहमान रहीम 786 मरतबा पढ़ना, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और उसकी तस्वीर पर तसव्वुर पर उसका नाम लिख के उसके ऊपर दम कर दें। 11 रात अमल करें और इतना टाइम देगा कि फिर आप तंग हो जाएंगे कि भाई साइलेंट लगा दो, बस लगा दो कि बातें ख़त्म हो गई हैं, कितनी हमने बातें करनी हैं। बहुत ही पावरफुल अमल है, ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरे हैं दुआ के लिए, ये हैं नुमान राजपूत। कहते मुसा मेरे लिए लाजमी दुआ करिएगा, खुदा के लिए मेरी शादी उधर हो जाए जिधर मैं चाह रहा, लड़की के घर वाले मान जाए, उसकी अम्मी मान जाए बस। तो इनके लिए खसूसी तौर के ऊपर दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी प्यार इनको नसीब करे, जहाँ ये चाहते हैं जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए, शादी में जो रुकावट है गैब से दूर हो जाए, और इनकी वालदा ऐसी राज़ी हो जाएं कि ख़ुद बुलाएं कि बेटा आओ और रिश्ता कर लो, ऐसे इनके हालात हो जाए। और अल्लाह ताला इनको अपनी जो शरीक हयात है जिनसे शादी करने वाले हैं, अल्लाह ताला इनको इनके साथ हमेशा खुशबाश रखे, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। रोज़ाना रात को सोते वक्त अल्लाह ताला का नाम है या बदी हो 1100 मरतबा पढ़ा करें और उसकी वालदा का तसव्वुर करके उस पर दम करें, इंशाल्लाह 7 दिन 11 दिन के अंदर अंदर वो खुद ब खुद राज़ी होकर ख़ुद बुलाएंगी कि आओ रिश्ता मैं देती हूँ। बहुत ही पावरफुल अमल है। तो ये थी आज की हमारी दो दुआएं और साथ साथ मैंने आपको अमल भी दे दिया, तो अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे और आपको कमेंट भी हम ज़रूर देंगे। तो ये अब अमल समझिएगा आपने करना कैसा है, ठीक है। ये आपके एक दायाँ हाथ है और एक बायाँ हाथ है, ठीक है। अब शुरू क्या करना है, पढ़ना क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रूफ़ मुकत्तआत है, ठीक है। दाएं हाथ से शुरू करेंगे, ठीक है। पहले आपने इस दाएं हाथ की जो हथेली है इस पर अपने महबूब का नाम लिखना है, और बाएं हाथ की जो ये हथेली है जगह इस पर आपने अपना नाम, जस्ट अपना अपना नाम लिखना है। वालदा वाला नाम मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आपने इस दाएं हाथ से शुरू करना है और ये रुफ़े मुकत्ता पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और साथ साथ मुट्ठी बंद करते जाना है। काफ हा या आइन सौत बंद हो गया, फिर इस हाथ पे हा मीम आइन सीन कॉफ, ठीक है। ये दोनों बंद हो गए, बंद होने के बाद ये सामने आपने रखनी है, उसके बाद आपने अपनी तरफ दोनों को मुठियों को करना है और इसी तरतीब से चेंज करके आपने इन मुठियों को खोलना है, ठीक है। अब पहले हमने अंगूठे से शुरू किया था, अब छोटी उंगली से काफ हा या आइन सौद, ठीक है। फिर हा मीम आइन सीन कॉफ, खुल गया, दोनों के ऊपर दम करें। दम करने के बाद आपने अपने इन हाथों को नाम वाली साइड से ऐसे बंद कर लेना, और उसके बाद आपने ये पढ़ना है जो आपकी स्किन के ऊपर आ रहा है, या मुकल्लिबल कुलूब कल्लिब कल्बहु इलैया, 111 मरतबा पढ़ें। उंगलियों को नहीं खोलना, हाथों को खोलें, दम करें, फिर अपनी मुट्ठी बंद करें, फिर 111 मरतबा पढ़ें, या मुकल्लिबल कुलूब कल्लिब कल्बहु इलैया, फिर 111 मरतबा। और इस तरह पढ़ने के बाद आपने फिर इन दोनों हाथों को खोलना है, खोलने के बाद चेहरे पर अपना हाथ फेर लेना और तसव्वुर पे उसके ऊपर दम कर दें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िएगा, इंशाल्लाह लजीज हमेशा हमेशा के लिए आपका महबूब आपका हो जाएगा। ये अमल कर लें, इसी दौरान आपका सारा मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।